This is not a review. It's a tribute to one of the most versatile actor, a self-made star Indian Bollywood industry ever had, who started his career as a Mano from Pavitra Rishta and end up as a Emmanuel Rajkumar Jr. urf Manny from Dil Bechara. He is a true source of inspiration for the millions of youth, those who wants to make their career in the field of acting. And he proves that no matter how hard you are struggling, just feel the beauty of your dreams. And before going ahead, I just want to make one request to everyone. There's those who haven't watched his movie Dil Bechara, that particular movie is streaming free of cost on Disney Hotstar. Please go and watch that particular movie. जिंदगी कितनी होगी ये हम डिसाइड नहीं कर सकते, बट जिंदगी कैसी होगी ये हम जरूर डिसाइड कर सकते हैं। क्या कुछ नहीं कहा गया, क्या कुछ नहीं लिखा गया, बट तरीके बदल जाने से बात बदल जाती है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द मूवी दिल बेचारा। ये मूवी ऐसी नहीं जो इससे पहले कभी बनाई ना गई हो, लेकिन कहानी कहने के मामले में फिल्म बेहतरीन बन पड़ती है। दिल बेचारा मूवी 2012 में आई नॉवेल द फॉल्स इन आवर स्टार पे बेस्ड है। और इस मूवी की कहानी कुछ इस तरह है कि इस मूवी में एक किजी बासु करके लड़की होती है, जिसे गले का कैंसर होता है, जिसके वजह से उसे सांस लेने में तकलीफ होती है। लेकिन उसकी जिंदगी में तो ट्विस्ट तब आता है जब मैनी यानी सुशांत सिंह राजपूत की एंट्री होती है। मैनी यानी इम्यूनल राजकुमार जूनियर की एंट्री होती है। ये एक ऐसा लड़का है जो कि सिर्फ आज पे यकीन रखता है, किजी के पेरिस जाने के सपनों को पूरा करता है, किजी को खुल के जीना सिखाता है, किजी के जिंदगी का असली मतलब सिखाता है, और ना सिर्फ किजी बासु को, ये हमें भी जिंदगी खुलकर जीना सिखाता है। होने वाले फादर इन लॉ के साथ रात को बैठकर बियर पीने वाला सीन शायद ही भारतीय सिनेमा में इससे पहले कभी फिल्माया गया हो। मिस्टर बासु के साथ हुई कन्वर्सेशन में ये जो डोंट बी सिली वाली बात निकल कर आती है, ये हमें हमारी जिंदगी में व्यवहारिक होना सिखाती है। और इस फिल्म में जो सुशांत सिंह राजपूत की एक्टिंग देखने को मिली है, वही चीज उन्हें आज भी हमारे बीच जिंदा रखती है। फिल्म में एक जगह सुशांत सिंह राजपूत कहते हैं कि आर्टिस्ट को अपना काम शुरू करने के बाद उसे खत्म भी करना चाहिए, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत ने अपना काम शुरू तो किया लेकिन खत्म ना कर सके। अभी तो बहुत कुछ करना था उन्हें। इस फिल्म में एक और किरदार है जिसका नाम मिस्टर पुष्पेंदर है, जो कि किजी बासु के ऑक्सीजन सिलेंडर के रूप में जाने जाते हैं। और हम सबके लाइफ में कोई ना कोई मिस्टर पुष्पेंदर जरूर होता है, जिससे हम अपनी छोटी से लेकर बड़ी बातें शेयर करते हैं। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी में कोई भी मिस्टर पुष्पेंदर जैसा ना होगा, इसीलिए उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। इस मूवी से जो सबसे अच्छी बात निकल कर आती है वो ये है कि हमें प्यार में एडजस्ट करना सिखाती है। किजी के पसंदीदा बोरिंग गानों को ना चाहते हुए भी मैनी को सुनना पड़ता है, और रजनीकांत के फिल्म भी किजी के लैपटॉप पे चलने लगते हैं। इस फिल्म में जमशेदपुर शहर है, रजनीकांत है, देवानंद है, सिगरेट है, मीठी मछली है, जेपी है, और सेंट जेवियर कॉलेज है। और इस मूवी से जो सबसे अच्छी सीखने वाली बात यह है कि जब जिंदगी में हमसे हमारी खुशियां छीन ली जाती हैं, तो हमें दूसरों में अपनी खुशियों को ढूंढ लेना चाहिए। आप तो हमें छोड़ के चले गए, लेकिन आपकी यादें हमारे बीच हमेशा जिंदा रहेंगी। काई पोचे के ईशांत बनकर, केदारनाथ का मंसूर बनकर, पीके का सरफराज बनकर, या पवित्र रिश्ता का मानव बनकर, छिछोरे के एनी बनकर, या दिल बेचारा का इम्यूनल राजकुमार जूनियर बनकर, वी लव यू एंड वी मिस यू सुशांत सिंह।